नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से आज मैं पहुंचा हूं। जो लड़का चमन है, जो इंडिया फुटबॉल टीम के लिए अंडर 16 के लिए सिलेक्ट हुआ है, उसके घर पे, तो उनसे बात करना चाहेंगे। उनके साथ में उनकी माताजी हैं। क्या हाल भाई चमन? अच्छा, पहले तो तेरे को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो चमन ने कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ में हो गए सर अभी। थोड़ी ऊंची आवाज। तो चमन ने इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ अंडर 16 के लिए, यस तो सर, कैंप कितने दिन का था? 1 महीने का सर, 1 महीना का कैंप था। तो कैंप कितने दिन चला? रेगुलर 1 महीने चले और गोवा में कुछ। चला। यस सर, गोवा में। अच्छा, तो किस लेवल के खिलाड़ी आपने वहां पर देखे? बहुत ही अच्छे लेवल के खिलाड़ी थे वहाँ पर। कोई बेंगलुरु नरवा एफसी का, कोई केरला ब्लास्टर का, और कोई मिनर्वा का। हर एक स्टेट लेवल के प्लेयर थे उधर, और तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन था उधर। हरियाणा की तरफ से आप कितने लड़के सिलेक्ट हुए थे वहां पर? हरियाणा की तरफ से इस टाइम मैं अकेला ही सिलेक्ट हुआ था। अकेला ही? तो बहुत गर्व की बात है ये महम 24 के लिए और महम अक्षेत्र रोहतक के लिए भी, कि अकेला चमन महम की तरफ से, महम हल्के से, महम शहर की तरफ से, रोहतक जिले एक से। रोहतक जिले से अकेला प्लेयर जो इंडिया 16 के लिए, जो एशियन कप जो कतर में होने जा रहा है, उसमें सिलेक्शन हुआ। तो स्क्वेड में अभी कितने बच्चे हैं? 23 है। 23। तो फाइनल लिस्ट आ चुकी है? यस सर, तो आपको कितने दिन अभी के लिए घर पे भेजा गया है? 10 दिन के लिए वेकेशन के लिए भेजा गया। वेकेशन के लिए 10 दिन के लिए आपको छुट्टी दी है, यस सर, तो अभी वापिस कब देखते बुलाया गया है? हैं। वापिस 3 तारीख को रिपोर्टिंग करनी है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को रिपोर्टिंग करनी है। तो वहां पर किस प्रकार के स्टेडियम आपको देखने को मिले? बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेडियम मिले, जो कि आईएसएल ग्राउंड है पटोड़ा स्टेडियम। उनमें हमें मैच दिखाने के लिए ले जाया जाता था आईएसएल के, और आई लीग के मैच होते थे वो भी दिखाने के लिए ले जाया जाता था। अच्छा, तो चमन ने यहाँ पर आप फुटबॉल किस जगह खेलते थे? यहाँ मैम स्टेडियम में खेलते थे, अच्छा, मैम स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे सुबह शाम। सुबह शाम मैम स्टेडियम में प्रैक्टिस लोकल में ही करते थे। तो स्टेडियम के आप कौन से जो स्कूल है यहाँ, किस स्कूल में पढ़ते हो? बीबीएस में। बीपीएस स्कूल मैम में पढ़ते हो। तो स्कूल की तरफ से आपको भी कोई सहायता मिली है? उन्होंने हमें स्कूली नेशनल खिलाया था सर, अच्छा नेशनल खेलने गए थे सर हम। अच्छा स्कूल की तरफ से कोई और सहायता? सर उन्होंने हमें थोड़ा बहुत फीस माफी भी की उन्होंने थोड़ी, और हमारी आर्थिक मदद भी की, और हमें पुरस्कार भी दिया। तो बड़े गर्व की बात है। तो मैं स्कूल प्रशासन से आगे भी उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से चमन की अब तक मदद की है, उसी प्रकार चमन की आगे भी मदद करे, ताकि वो भारत देश का नाम रोशन करे और अपने महम क्षेत्र का खासकर नाम रोशन करे, और आपके स्कूल का भी नाम रोशन हो। ये बीपीएस स्कूल का जो चमन छात्र है, तो हमारे साथ में उनकी माता जी हैं। नमस्कार जी, नमस्कार बहुत बहुत बधाई हो, जी। आपका बधाई लड़का जी, जो इतने ऊंचा लेवल पे पहुंचे हैं खेलने के लिए, हाँ जी, बहुत बधाई कैसा हो जी। महसूस आप हो रहा है? बहुत बहुत खुश हो रहा है जी। बहुत खुशी हो रही हाँ है। जी, अच्छा, लड़के को क्या खिलाया आपने बना के? लड़के को जी विकास कोच ने, जिस तरह मेरे घर पे तो जी कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, जितनी इतनी गरीबी थी जी, मेरे पास 2000 रुपए का भी योत नहीं था जी उस टाइम पे जी। विकास मेरे घर से आए तो बोले जी एकेडमी में ले जाना चाहता हूँ मैं बोले जी मेरे पास पैसे का दूत नहीं, मैं किस तरह भेजूंगी अपने बच्चे को जी। बोला तू ही भी मेरे कहने से चंडीगढ़ भेज दे, मैं इसका सहारा देने के लिए बहुत मजबूत हूँ। तो विकास ने जितना हमारा भी सहारा दिया, तो इतने तो माँ बाप भी नहीं कर रहे जी इनके लिए, जितना विकास ने हमारे, इसके माँ बाप ने भी खूब साथ दिया जी। विकास के पापा मम्मी ने कहा जिस तरह रिटायरमेंट हो पाई, तो मैं बोली बेटे ये गया दादाजी क्या करे, बोला मैं अकेडमी खोलूंगा, कहीं पर नहीं हो तो मैं अपनी अकेडमी में भी करना चाहता हूँ। आपको भैया बढ़िया खेलते हो। फिर मैंने कहा कि मेरे पास विकास आगे तो ले जाएगा, 2000 रुपये, 2000 इतने के पैसे कहाँ से लाए जी जूतों के लिए। तो जी विकास देता था, कभी 2000 दे दिए, कभी 1500 दे दिए, कभी 3000, 5000, इस तरह जूते फुगाए हैं इसने। एक बार जी इसके आठ लग गई जी इस चीज़ के लिए, मम्मी पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे पापा का रोजगार नहीं है, कहाँ से लाएंगे। माँ बेटा रो मत, रोने लग गया ये। फिर मैंने विकास के पास फ़ोन किया, मैं कहा विकास
क्या करे जी, मेरे को भी जी थोड़ी महसूस न होने लगी है, कितना कुगाएगा जी 2000 का भी, 3 का भी, 4 का भी। फिर उन्होंने बोले आंटी आप फिक्र मत करो, बच्चे को आगे जाने दो। मैं बोली जी उम्र तो थोड़ी है अभी। उन्होंने बोला पैसों के लिए अपने बच्चे को घर पे मत रखना, पैसे का सारा मैं दूंगा, जितने भी कोशिश हुए हैं, मैं इसके माँ बाप है, भाई है मेरा, छोटा लड़का मान के चल रहा हूँ इसे, बस इतना साथ दिया जी, हम खुद भी नहीं कर सकते, मेरे माँ बाप से भी ज्यादा। तो पूरे शुक्र गुजार हैं ये विकास सिंह मार, जिन्होंने इसको आर्थिक रूप से चमन को बहुत सहायता दी है आगे पहुंचाने में, कोचिंग भी दी और अच्छी मदद करी है। कल रोहतक से भी ये जी मेरे पास कल भी भाड़ा नहीं था, ये लाई है जी रोहतक से अपनी गाड़ी करके बड़े बड़े के लिए। मैंने तो जी कल भी 2-4 हजार रुपया पर गया पे उठा कर कही, तो इसकी मम्मी को दया आने लगी, नहीं ऐसे नहीं करना, ये जिसके लिए आई है तो उल्टे देखा। अभी भी हम जिस उम्र तक ये लड़का खेल लेगा, भगवान ने चाहिए तो हम साथ देने के लिए। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं जितने भी महम क्षेत्र से जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं या फिर स्कूली स्तर की जो अकेडमियां हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अकेडमियां, फुटबॉल एसोसिएशन है और हरियाणा जो फुटबॉल फेडरेशन है, उसकी तरफ से भी अनुरोध करूंगा कि चमन की जो खेल को में कोई रुकावट पैदा ना हो और चमन की लगातार आप सहायता करें। तो आप लड़के चमन से आप कांटेक्ट करें तो सभी बधाई के पात्र हैं कि चमन आगे जाए और देश का नाम रोशन करे और देश भारत देश के जो पदक है ना श्रेष्ठ का वो भारत देश की झोली में डालें। तो चमन जैसे आपके जो साथी खिलाड़ी रहे हैं, आपके जो सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, उनकी तरफ से आपको कैसी सहायता मिली है? उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली, उन्होंने हमें प्रैक्टिस के रिगार्डिंग बताया और जो भी हमें उनसे मदद मांगी, सहयोग दिया उन्होंने हमारा पूरा। और विकास भाई साहब और राकेश भाई साहब और विक्की भाई साहब जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। ये जितने खिलाड़ियों का या सीनियर खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ी जिनका आपने नाम लिया, ये सब कहाँ खेलते हैं? ये मैम स्टेडियम में ही खेलते थे, बट ये रेगुलर नहीं होने के कारण इन्होंने छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं रेगुलर रहा इसलिए। तो ये रेगुलर नहीं रहे, आपकी जिन साथी खिलाड़ियों का सीनियर खिलाड़ियों का इन्होंने नाम लिया है, उन्होंने भी इसके खेल को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत मदद करी है, वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू सर।